बैक टू लवीज किचन सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ कैरामिल पुडिंग एंड ये मेरे बच्चों का फेवरेट स्वीट डिश है। बहुत ही आसान पर उतना ही स्वादिष्ट एंड ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। कैरामिल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा लीटर दूध को गर्म करने रख देंगे। ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, वरना ये नीचे चिपक सकता है एंड ऊपर से इसका क्रीम का लेयर भी फॉर्म होता है। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। अगर आप चाहे तो इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आप थोड़ा मीठा चाहे तो, वरना 2 टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे एंड फिर दूध में उबाल आने के लिए रुकेंगे। दूध अच्छी तरह से उबल चुकी है, अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाएंगे एंड फिर गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने रख देंगे। कैरामल सॉस बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून शक्कर एंड फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पानी और फिर हम उसे अच्छी तरह से मिलाकर शुगर को कैरामलाइज होने रख देंगे। शक्कर का रंग हल्का सा चेंज होने लगा है, इसे हम चलाते रहेंगे। मैं नॉनस्टिक पैन प्रेफर करती हूँ शक्कर कैरामलाइज करने के लिए, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल एंड ये नीचे चिपकता भी नहीं है। शक्कर कैरामलाइज होने लगा है, हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ध्यान रखना है कि जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगे तब हम गैस ऑफ कर देंगे, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब हम 4 बोल लेंगे और इसमें ये गरम सिरप डालेंगे। ध्यान रखना है कि हमें ये गरम ही डालना है, वरना ये कैरेमल कड़क हो जाता है। आप चाहे तो एक बड़े से बॉल में भी इसे डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे छोटे बाउल्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सर्व करना ईजी होता है। हमें इस तरह से कैरेमल को बाउल में कोट करना है और ये प्रोसेस जब ये कैरेमल गर्म हो तभी हो सकता है, वरना ये कड़क हो जाता है। पुडिंग का मिक्सचर बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में हम लेंगे 3 अंडे। इसे हम अच्छी तरह से फेटेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस एंड फिर उसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब डालेंगे ठंडा किया हुआ दूध का मिक्सचर एंड फिर उसे अच्छी तरह से फेटेंगे। इस मिक्सचर को अब एक छलनी की मदद से स्ट्रेन करेंगे। ऐसे करने से हमें एक स्मूथ पुडिंग मिक्सचर मिल जाता है। अब हम इस मिक्सचर को बोल में डालेंगे। आधे लीटर दूध से हमें 4 सर्विंग्स मिलते हैं। जो बचा हुआ मिक्सचर था मैंने इस बोल को कम्प्लीटली फिल कर दिया था। अब इसे हम फॉइल के मदद से इसे इस तरह से कवर करेंगे ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो जो बाहर का मॉइस्चर या पानी वो इसके अंदर न जाए। अब हम इसमें हल्का सा प्रिक करेंगे और फिर उसे हम स्टीम करने रख देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने एक इडली के बर्तन में पानी को गर्म करने रख दिया था। इसमें हम तैयार किया हुआ पुडिंग बॉल्स रख देंगे और इसे हम स्टीम करने रख देंगे फॉर 20 मिनट्स। इसे हम हाई स्पीड में ही स्टीम करेंगे।
20 मिनट्स हो चुका है और हमारा कैरमल पुडिंग भी रेडी है। इसे हम ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे एंड फिर इसे रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। अनमोल करने के लिए हम एक नाइफ़ के मदद से इसके साइड्स को लूज करेंगे, फिर एक डेजर्ट प्लेट में इसे रख कर इसे हम उल्टा कर देंगे। लीजिए, रेडी है कैरमल पुडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, बाय।